नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। थाना चकेरी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, रजिस्ट्रीकृत भूमि पर कर रहे हैं कब्जा। पुलिस का नहीं है खौफ, बुजुर्गों की जमीन पर किया अवैध निर्माण। कानपुर के कृष्णा नगर स्थित मोहल्ले में श्रीनाथ कपूर और उनके भाई निरंकार कपूर का कब्जा है, लेकिन अब वर्तमान में कुछ लोग आरजी संख्या गलत बताकर उनकी रजिस्ट्रीकृत भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, जिसका विरोध करने पर आरोपी 50 से अधिक लोगों के साथ मौके पर खड़े होकर उनको धमकी देते हैं। साथ ही उनकी भूमि पर गेट लगाकर अवैध निर्माण भी कर लिए हैं। पहले से लगे उनके दरवाजे को तोड़कर आरोपियों ने अपनी दीवार खड़ी कर ली है और नया दरवाजा भी लगा लिया है। पुलिस से शिकायत करने पर उन्हें आश्वासन मिला था कि कोई भी जबरन कब्जा नहीं करेगा, आपकी सहायता की जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी प्रकार की कोई भी मदद पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। इसी कड़ी में आज कपूर परिवार अपना दुखड़ा लेकर पुलिस आयुक्त के समक्ष पेश हुए और अपनी आप बीती सुनाई। प्रार्थियों को आश्वासन मिला है कि उनके कागजों की जाँच करवाकर उन्हें न्याय दिलाया जाए। पूरा हमारा निरंकार कपूर कृष्णा नगर, और बड़े भाई हमारे श्रीनाथ कपूर जिनकी उम्र 77 साल है, निरंकार कपूर हमारी 64 साल की उम्र है। उसके बाद हमारा प्लाट 1991 में हमने कृष्णा नगर सोसाइटी नागरजी सोसाइटी से लिया हुआ था, नागरजी सोसाइटी से लिया था, जिसका आरजी संख्या 568 है, जो कि आरजी तत्व उसमें शालिनी शुक्ला हमको बताती हैं कि 591 है, जबकि हमारे केडीए की रिपोर्ट भी हमारे साथ लगा के हमने दी है, जिसकी जांच भी हो चुकी है। केडीए ने भी 568 डिक्लेयर किया हुआ है और आरजी 568 से 165 मीटर की दूरी पर 591 अर्जित है। उसके बाद भी हमारे जेल में हमने गेट लगाया था, उसको तोड़ दिया इन्होंने 8/1/2024 को गेट लगाया था, उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद हमारे पुलिस ने कोई भी FIR लॉन्च नहीं की। कौन लोग हैं जो गेट? शालिनी शुक्ला और अनिल शुक्ला। कौन है ये लोग, क्या कर रहे हैं? ये लोग कहते हैं कि हमारा है, ये हमारी आरएजी है 591, जबकि हमारे अगल बगल के आरएजी भी 568 है, 567 है, 591 कहीं दूर है, जो केडीए ने रिपोर्ट में लगा के दिया है हमको। केडीए की जांच भी उन्होंने नहीं कराई। शिकायत करी है पुलिस ने हमेशा ये कहा है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मगर कल रात को उन्होंने गेट तो हमारा पहले से टूटा हुआ था, उन्होंने अपना गेट कल रात को लगा दिया, जिसकी कि फोटोग्राफी भी हमने करी हुई है तो 25-50 लोग इकट्ठा एक साथ आ गए डंडे लेकर कि हम तुम्हें मार डालेंगे तुम लोगों को, और कोई भी इस तरीके का कोई वाक्य नहीं। आपने ये जमीन खरीदी थी 97 में रजिस्ट्री कराई है, और केडी मतलब नागरजी सोसाइटी के पूरे कागज हमारे पास अवेलेबल है, अलाटमेंट लेटर से लेकर पूरी रजिस्ट्री तक। ये लोग आपकी जमीन पे क्या कब्जा करना कहते हैं? ये 591 आरएजी है, जबकि 568 आरएजी है। कमल सचिव, नागरजी सोसाइटी के सचिव हैं कमल भाटिया, जो कि वो भी कहते हैं कि 568 ही है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर यहाँ से सुनवाई नहीं हुई तो क्या करेगा? फिर उन्होंने अदालत में एक केस डाला हुआ है, उसकी डेट है 12/2 को हम उसका जवाब लगाएंगे, तो उसके पहले ही इन्होंने कल हमारी बाउंड्री लगा दी, गेट लगा दिया और हमारे ऊपर हावी हो गए 25-50 लोग, जिसका कि मैं वीडियो आपको दिखा सकता हूँ। जानलेवा हमला, और कोई भी डंडे लेके आए थे, डंडे लेके वीडियो भी है।